दोस्तों, क्या हुआ जब मात्र एक दिन की लड़की को नागिन हवा में लेकर उड़ चली, जिसे देख गांव वालों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित रामनगर के छोटे से गांव की ये सच्ची दास्तान है। गांव वाले उस समय चौंके जब उन्होंने एक दिन की बच्ची को हवा में एक नागिन के साथ देखा। दरअसल सीमा नाम की नवयुवती का एक ऐसे गांव में विवाह हुआ जहां बेटी को जन्म देना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। सीमा के ससुराल वालों की मानसिकता ये थी कि अगर उनके घर बेटा हुआ तो वे बेटे को अपने जायदाद में पूरा अधिकार देंगे और माँ को भी सम्मान देंगे, परंतु वहीं अगर बेटी हुई तो उसे अपने हाथ से तुरंत मार देंगे और माँ भी दासियों की तरह रहेगी। सीमा महादेव शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। सीमा के ससुराल में पास ही में एक शिव मंदिर था जहां सीमा हर रोज सुबह के समय शिव दर्शन को जाया करती। करीब अभी सीमा के विवाह को 1.5 साल ही बीता होगा कि एक खुशखबरी सीमा के द्वार पर आई। सीमा माँ बनने वाली थी। सीमा इस बात से बहुत खुश थी। उसने सोच लिया था कि भले ही लड़का हो या लड़की, वो अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देगी। वो इस बात से भी भली भांति परिचित थी कि उसके ससुराल वाले लड़की होने पर उसकी बच्ची को मार देंगे, जिस बात से वह दुखी रहने लगी। कई बार तो सीमा के सास ससुर ने भी साफ साफ सीमा को कह दिया कि अगर लड़की हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इसीलिए सिर्फ लड़के का ही जन्म होना चाहिए। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, ये तो भगवान के ही हाथ में है। देखते ही देखते 9 महीने बीते और सीमा ने नज़दीक के हॉस्पिटल में एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। परंतु इस खबर को सुन सीमा के ससुराल वाले गुस्से में आ गई। सीमा का ससुर और उसका पति सीमा की बेटी को मारने के लिए निकली। ये बात किसी तरीके से सीमा तक पहुंच गई, जिसे सुन सीमा की सांसें जैसे थम गई हो। उसने अपने एक दिन की बेटी को अपनी बाहों में थामा, शिव मंदिर की तरफ भागी और शिवलिंग के पास अपनी बेटी को रख रोते हुए प्रार्थना करने लगी। हे महादेव, आज तेरे दर पर मैं अपनी बेटी के प्राणों की भीख मांगने आई हूँ, मेरे बेटी की रक्षा करो महादेव। इतना कहकर वो जल्दी से हॉस्पिटल की ओर निकली, जहाँ उसने नर्स की मदद से ये कहलवा दिया कि उसकी बेटी हुई तो थी पर वो पैदा होते ही मर गई। उधर शिवलिंग के पास सीमा की बेटी जब माँ के लिए रो रही थी तो एक चमत्कार होता है। शिव मंदिर में सीमा की बेटी की तरफ पास के ही जंगल से एक नागिन आई और उसने स्त्री रूप धारण कर सीमा की बेटी को अपने बाहों में लगा लिया। फिर वह सीमा की बेटी को लेकर एक पास के गांव चले गई, जहां उसने एक अच्छे दंपति को सीमा की बेटी सौंपते हुए कहा कि ये अपने माँ से बिछड़ गई है, जल्द ही इसकी माँ से ढूंढते हुए आएगी, तब तक इसका पालन पोषण करना। उधर सीमा को यह यकीन था कि भोलेनाथ उसकी बेटी की रक्षा करेंगे। सीमा ने अब अपने ससुराल को छोड़ दिया, क्योंकि वह ऐसे घर बार में अब नहीं रह पाती जिनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई थी। कुछ दिनों बाद सीमा अपने माता पिता और भाई के साथ अपनी बेटी को खोजते हुए उसी दंपति के घर जा पहुंची जिस घर में नागिन ने उसकी बेटी को संभालने को दिया था। उन दंपति ने सीमा को बताया कि सुंदर सी स्त्री तुम्हारी बेटी को हमें सौंप की गई थी। सीमा अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थी और उसने महादेव शिव को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।